हाय एवरीवन, दिस इज किमी। आप देख रहे हैं आपके सितारे किमी के साथ। आज है 12 सितंबर और आज के राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 8:48 से लेकर 9:11 तक, और जो आज का राहु काल है वो रहेगा 3:24 से लेकर 4:58 तक। तो ये था पंचांग। अब हम बात करेंगे सपनों की। अक्सर हम सपनों में फोटोज़ को देखते हैं, तो उसका क्या मतलब है? अगर तो हम देखते हैं फैमिली फोटोग्राफ है, तो हमारी बहुत जल्दी किसी से लड़ाई होने वाली है। अगर हम देखते फोटो जो है वो न्यूज़पेपर में छपी हुई है या किसी मैगजीन में, तो आपका सर्कल बहुत ही बढ़ेगा, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आप यही देखते हैं कि जो फोटो है बहुत ही लंबी है, तो मीन्स आपकी हेल्थ अच्छी होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप यही देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स है, तो इट मीन्स कि आपका सर्कल बहुत ज़्यादा है, बट आपकी फ्रेंडशिप गलत लोगों के साथ है, वो जो आपके फ्रेंड्स हैं आपको लास्ट पर डिच करेंगे। अगर यही आप देखते हैं जो फोटो है ब्रोकन है, फटी हुई है या बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, तो इट मीन्स कि कोई लॉस के आपके चांसेस हैं आने वाले टाइम में। अगर आप यही देखते हैं जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो फैमिली फ़ोटोग्राफ है और उसमें आप बहुत छोटे बच्चे हो, तो इट मीन्स कि आप अपने जो चाइल्डहुड है उसको मिस कर रहे हैं। अगर आप यही देखते हैं जो फ़ोटोग्राफ है ऑपोजिट जेंडर की है, तो बहुत जल्दी आपकी मैरिज होने वाली है। यही अगर आप देखते हैं कि जो आपकी फ़ोटो है आपके बहुत ही अच्छे फ्रेम में आपकी लगी हुई, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई चेंज आने वाली है। तो ये थे ड्रीम एनालिसिस एंड फोटोज़। अब हम बात करेंगे पहली 6 राशियों की, आज का उनका दिन कैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस की। लेट्स सी, जो मेष राशि वाले लोग हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई दूर की प्लानिंग्स आप कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे, तो आपके लिए ऑफर्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका दिमाग इस वक्त चलेगा अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ। और जो मेष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा पिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृष राशि वालों की, जो टॉरियंस हैं, आज के दिन आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपाएंगे। आपको लगता है लोगों की आपको नज़र लग रही है, या लोग आपके जो आसपास है वो बहुत ज़्यादा आपसे जेलसी कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं चाहते, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने स्टेप्स को, हर स्टेप को, हर अपनी चीज़ों को छुपा के रखेंगे, तो आपके लिए ये बेहतर भी है। और जो वृष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा पिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेमिनाइज की। लेट्स सी, जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, कैसा है आपका दिन। आज के दिन एक नई स्टार्ट होगी, हेल्थ इश्यूज आपके चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे, एक नई शुरुआत होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है आज के दिन, आपकी ग्रोथ होगी। और जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा व्हाइट। इसके बाद हम चलते हैं कैंसेरियंस की तरफ, जो कर्क राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आप बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजंस ले सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। आपको लगता है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको प्लानिंग करनी चाहिए फ्यूचर के लिए, तो ये इट्स अ राइट टाइम। तो जैसा जिससे आप काम करना करवाना चाहते हैं, तो आपको आज के दिन उस चीज़ों के लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा वाइट। इसके बाद बारी आती है लियोस की, जो सिंह राशि वाले लोग हैं, आज का जो दिन है आपका पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। कोई नई डील्स होंगी, कोई आपको टेंडर्स मिल सकते हैं। और आज के दिन अगर आपके यहाँ घर पे रिश्ते की बात भी हो रही, तो आज का दिन रिश्ता भी आपका पक्का हो सकता है। इट्स अ वेरी गुड डे फॉर एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप। और जो लियो राशि वाले हैं लोग, जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा बेज। नेक्स्ट हम आते हैं वर्गोस की तरफ, जो कन्या राशि वाले लोग हैं, इट्स अ वेरी गुड डे, आपको सक्सेस मिलेगी, आपके पास पैसे के कोई नए सोर्सेस बनेंगे, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, पैसे की तरफ से आज के दिन बहुत बड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। और जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा येलो। तो ये था पहली 6 राशियों का राशिफल। इसके बाद हम बात करेंगे जिनका है बर्थडे और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। सबसे पहले हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमेशा हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, और स्टूडेंट्स उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, और आपके लिए एडवाइस क्या आती है। अगर हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में थोड़े से इश्यूज़ आएंगे, जितना आपका लगता है कि आपके ट्रीटमेंट के साथ आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो उतना नहीं आएगा रिज़ल्ट। और ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, बट आपको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ की केयर और अपना ट्रीटमेंट करवाते ही रहना चाहिए। अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, वेल्थ की, तो आपको कोई लोन सैंक्शन हो सकता है, आपको नई जॉब मिल सकती है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, तो प्रोफेशनल लाइफ इट्स अ गुड ईयर। और स्टूडेंट्स की बात करें, तो स्टूडेंट्स के लिए फैंटेस्टिक ईयर है, आपको सक्सेस मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ी ज़्यादा आ सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा संभल के रहें। और आपके लिए एडवाइस आती है
कि कोशिश करें अपनी की चारों तरफ से कोशिश करके अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश करें, जितने एफर्ट्स हो सकते उतने एफर्ट्स पुट करें। तो ये था जिनकी है जिनका बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी। लेट्स सी बाकी की 6 राशियों का आज का दिन कैसा है। अब बारी आती तुला राशि वालों की, जो लिब्रंस हैं। आज के दिन आप कोई पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से जिनके साथ बहुत देर से आप इन टच नहीं हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग्स होगी, तो आपका जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जो आपकी रुकी हुई चीज़ें थी आज के दिन आपको नए सोर्सेज मिलेंगे। अगर आपको लगता है लाइफ बहुत ज़्यादा रुक चुकी है तो आपको बहुत ज़्यादा अपने जो आपके ओल्ड सर्कल्स है उसमें आपको आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और गलती से भी आप ऐसे लोगों से ना मिले जो आपको पता है, आपको पता है कि वो आपका फ्यूचर ख़राब कर सकते हैं। सो आपको चाहिए जो बैड कंपनी है, बैड लोग हैं, उनसे दूर रहें। और जो तुला राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्लू। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। जो स्कॉर्पियंस हैं, आज के दिन लोग आपको डोमिनेट करेंगे, अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करेंगे, आपकी लाइफ को, अपनी आपके फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा अपने होल्ड में रखेंगे। तो आपको चाहिए कि अपने लिए स्ट्रगल करें, अपने लिए एफर्ट्स करें, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं। और जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्राउन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेजिटेरियंस की। जो धनु राशि वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा आज के दिन आप सैड फील कर सकते हैं। आपको लगता है कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रही है, स्मूथ लाइफ नहीं चल रही, बट इट्स जो ये टाइम है बहुत ही थोड़ा टाइम है। इमोशनल ज़्यादा होने की ज़रूरत, कोशिश ना करें, मीन ज़्यादा इमोशनल आप ना हो, अदरवाइज आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और अपने रिलेशनशिप को बचा के रखें। और जो धनुराशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा पिंक। नेक्स्ट हम आते हैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ। जो मकर राशि में लोग हैं, आज के दिन आपको कोई लेडी हेल्प करेगी, लेडी की एडवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इमोशनली थोड़े से आप लो फील कर रहे थे, बट किसी के एडवाइस के साथ आपका आपको एक नया आपके लाइफ में आपको एक करेज मिलेगा, विल पावर मिलेगी, प्लस एक नई होप जगेगी आज के दिन आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा गुस्सा ना करें, थोड़ा सा शांत मन से डिसीजंस लें। और जो मकर राशि में लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्लू। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वेरियंस की। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आपका सर्कल बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, लोगों से आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, बड़े ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितना मिलेंगे आप आज का उतना ही फ़ायदा होगा। तो बस आपकी हेल्थ भी आज के दिन अच्छी होगी, बेटर होगी। तो बस किसी को आज के दिन डिच ना दे, धोखा ना दे। और जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा व्हाइट। लास्ट पर हम बात करेंगे मीन राशि वालों की। जो पाइसियंस हैं, इट्स अ गुड डे, कुछ ना कुछ आप फॉरेन से रिलेटेड प्लानिंग्स करेंगे, आपको फॉरेन से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा होगा, लोगों की नज़र से बच के रहे। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, जो लोग बाहर मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग बाहर कुछ ना कुछ बिजनेस या जॉब चाहते हैं, इट्स अ वंडरफुल डे। कहीं ना कहीं से आज के दिन आपके लिए कोई रास्ता खुलेगा। और जो मीन राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्राउन। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। कल का राशिफल जानने के लिए जुड़े रहें आपके सितारे खिमी के साथ। थैंक यू।